नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अपडेट यह है कि सहरसा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच ट्रेन शुरू होने जा रही है, और ख़ास बात यह है कि इस ट्रेन का जो वाया रहने वाला है वो सुपौल और फॉरबिसगंज के रास्ते है। तो ये एक बहुत ही अहम बात है, लेकिन इसके अंदर जिस तरह से सहरसा जोगबनी और दानापुर जोगबनी एक्सप्रेस का ठहराव नहीं मिला है कई महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन पर, ठीक उसी तरह इस ट्रेन का भी जो है वही हाल है। कई ऐसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है जहां पर ठहराव नहीं मिला है। तो कौन कौन से स्टेशन पर ठहराव मिला है, स्टॉपेज मिला है या किस पर नहीं मिला है, इस पर पूरी डिटेल में बात करेंगे। पूरी डिटेल आ चुकी है, तो बने रहिए वीडियो पर। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको अभी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए ऐसे ऐसे अपडेट जो है मैं ढूंढ ढूंढ कर लाता रहता हूं और आप सभी को अवगत कराता रहता हूं। साथ में आपका कमेंट जो भी आता है उस हिसाब से भी मैं आपके डिमांड को आगे रखता हूँ अपने वीडियो के ज़रिए, अपने सोशल मीडिया के ज़रिए। तो जाहिर सी बात है, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि मैं जब भी अपने वीडियो का एनालिटिक्स चेक करता हूं तो उसमें 70% लोग जो है वो बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियो को देखते हैं। केवल 30% लोग ही जो है हमारे सब्सक्राइबर वो वीडियो देखते हैं, बाकी का सारा जो है बिना सब्सक्राइब करे हुए देखते हैं। तो सब्सक्राइब भी क्या कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि इससे भी बेहतर ढंग से काम किया जाए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताना शुरू करते हैं जो सहरसा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच जो ट्रेन चलने वाली है वो कौन सी ट्रेन है। तो इस ट्रेन को लेकर समस्तीपुर के DRM ने रेलवे बोर्ड को एक प्रस्ताव भेजा है, और इसमें सहरसा से न्यू जलपाईगुड़ी तक ओवरनाइट ट्रेन चलाने की बात कही गई है। और इस ट्रेन में आगे जो लिखा गया है, यह ट्रेन सहरसा से खुलकर फॉरबिसगंज के रास्ते कटिहार होकर सिलीगुड़ी के रास्ते न्यू जलपाईगुड़ी तक जाएगी। आगे हम स्टॉपेज के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये 20 कोचों वाली ट्रेन होगी, जिसमें एक सेकेंड AC और 4 थर्ड AC का बोगी होगा, और इसके अलावा 8 स्लीपर और 5 जनरल बोगी लगाए जाएंगे, और उसके अलावा SLR के 2 डिब्बे भी शामिल हैं। तो कुल मिलाकर 20 कोचों वाली ये ट्रेन होगी, और इसकी सूची जो है वो भेज दी गई है। सूची में टाइम टेबल भी मेंशन किया गया है, और साथ ही आपको ये भी बता दूं कि किसानों को देखते हुए किसानों के लिए फॉरबिसगंज में रेक पॉइंट का भी निर्माण किया जा रहा है, जिससे यहाँ के व्यापारियों को या फिर यहाँ के किसानों को भी लाभ मिलने वाला है आगे चलकर। और NF रेलवे के कटिहार के DRM कर्नल SK चौधरी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि भारतीय रेल आर्थिक दृष्टिकोण को अपना रही है, और किसानों का हित और रेलवे को राजस्व की प्राप्ति हो इसके लिए रेक पॉइंट का निर्माण भी फॉरबिसगंज में कराया जा रहा है। और इसके अलावा ZRUCC के सदस्य बचराज राखेचा ने बताया कि 2-3 दिनों में जोगबनी से दानापुर, पटना और जोगबनी से सहरसा के लिए ट्रेन चलने की जो है वो संभावना है। इसके साथ ही नए नए ट्रेनों के प्रस्ताव से क्षेत्र के लोगों में काफ़ी रोमांचित है, और जहां एक तरफ बीते 15 वर्षों से इस रेलखंड पर ट्रेनों की आवागमन को देखने के लिए लोग क्षेत्र के जो है वो तरस गए थे, आंखें पथरा गई थी, वहीं अब नई नई सौगातें जो है वो मिलने जा रही है, और लगता है कि शायद लंबे समय का इंतज़ार जो है वो इंतज़ार का फल जो है वो मीठा होने वाला है। और जोगबनी दानापुर और जोगबनी सहरसा जो एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होने जा रही है, उसमें नरपतगंज में स्टॉपेज नहीं मिलने के कारण अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने भी नाराज़गी जताई, और रेलवे के उच्च अधिकारियों से उन्होंने फ़ोन पर भी बात किया। समस्तीपुर डिवीज़न के जो महाप्रबंधक है उनसे भी उन्होंने फ़ोन पर बात की, और एक प्रस्ताव भी तैयार किया है रेलवे बोर्ड को भेजने के लिए। तो देखना होगा क्या होता है। लेकिन आगे हम बात कर लेते हैं सहरसा से न्यू जलपाईगुड़ी वाया सुपौल, ललितग्राम और फॉरबिसगंज के रास्ते जो चलने वाली ट्रेन है उसके डिटेल्स के बारे में भी बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा स्टॉप इसका रहने वाला है और कौन कौन से स्टॉप को जो होना चाहिए उसे स्किप कर दिया गया है। तो सहरसा न्यू जलपाईगुड़ी सहरसा जंक्शन से खुलने वाली ट्रेन जो है वो उसका पहला स्टॉपेज सुपौल, सरायगढ़, ललितग्राम, फॉरबिसगंज, अररिया, अररिया कोट, पूर्णिया जंक्शन, कटिहार जंक्शन, इसके अलावा लाभा, आजमगढ़ रोड, बारसोई, दालकोला, किशनगंज, अलवाबाड़ी जंक्शन, ठाकुरगंज, बागडोरा, सिलीगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी तक ये ट्रेन जो है इसका रूपरेखा तैयार की गई है। और ZRUCC के सदस्य बचराज राखेचा ने बताया है कि यह प्रस्ताव ईस्ट सेंट्रल रेलवे समस्तीपुर के DRM द्वारा जो है रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। ये ओवरनाइट ट्रेन होगी, एक्सप्रेस ट्रेन होगी और 20 कोचों वाली ये ट्रेन होगी। तो बड़ी सौगात, जिस तरह से लोग जो है न्यू जलपाईगुड़ी के लिए ट्रेन की डिमांड कर रहे थे, वो ट्रेन कहीं ना कहीं अब जो है कुछ ही दिनों बाद मिलने वाली है। प्रस्ताव जो है वो भेज दिया गया है, अब देखना होगा प्रस्ताव जो है कब तक पास होता है और कब तक ट्रेन चल पाती है, लेकिन पहल ज़रूर हुई है।
और इस रूट पर जो है आगे चलकर काफ़ी अहम होने वाला है। इस पर से कई सारी एक्सप्रेस और सुपरफास्ट जैसी राजधानी जैसी ट्रेन जो है वो गुजरने वाली है, तो कहीं ना कहीं उसका भी यहाँ पर रूपरेखा तैयार की जा रही है। तो देखना होगा क्या होता है, कब से ये ट्रेन शुरू होती है, लेकिन बड़ी अपडेट यही है कि न्यू जलपाईगुड़ी के लिए ट्रेन जो है वो सहरसा से वाया सुपौल और ललित ग्राम फोरबिसगंज होते हुए जाएगी। ये एक अच्छी बात है, लेकिन इसमें स्टॉपेज को लेकर अभी भी जो है असमंजस बना हुआ है कि क्या सुपौल और सीधे ललित ग्राम सरायगढ़ इस बीच के रेलवे स्टेशनों का क्या होगा, क्या इनको भी स्टॉप मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, या इसके लिए भी संघर्ष करना होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों ये थी बड़ी अपडेट जो मैंने आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर वीडियो में बोल बोल के थक चुका हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं 72% लोग और वीडियो देखकर चले जाते हैं, तो ये एक जो है हमारे लिए अन्याय है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए बिहार एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल।